एक बार फिर सिटी वैम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। बीजेपी के 2 लोकसभा सांसदों पर भड़का चीन दे डाली चेतावनी। जी हाँ, ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रैंड समारोह में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने भी बधाई संदेश दिया, जिस पर चीन ने विरोध जताया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,51,767 हो चुकी है। आपको बता दें, जिसमें अब तक 4,307 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 64,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में 83,000 से ज्यादा एक्टिव केस बाकी है। दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में सवार एक शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव, 36 यात्री क्रू मेंबर क्वारंटाइन। आपको बता दें, दिल्ली और लुधियाना के बीच उड़ान भर रहे विमान में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यात्री के संपर्क में आए सभी यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी समेत देश के कई अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना वायरस पॉलिटिक्स, बीजेपी की मीटिंग तो कांग्रेस का ऑनलाइन प्रोजेक्ट। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजनीतिक पॉलिटिक्स बढ़ गया। केंद्र की मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा होने के मौके पर 30 मई को बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से लेकर कई रैलियां करेगी। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की वर्चुअल रणनीति बनाई है। आपको बता दें, प्रवासी श्रमिक, किसान, छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी 28 मई को ऑनलाइन आंदोलन करेगी।